हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सरसोदिया आज आपको 3D की आगे की कमांड बताऊंगा। पिछले वीडियो में हमने ये यूनियन, सबसेट, इंटरसेट, एक्सट्रूड फेस, मूव फेस, रोटेट फेस, ऑफसेट फेस और रोटेट फेस, यहाँ तक हमने फिनिश कर लिया था। अब हम आगे की कमांड देखेंगे किस तरीके से इनको यूज करना है फ्रेंड्स, ठीक है। सो यहाँ कमांड्स देखने के लिए हम कमांड्स जो बनाएंगे आगे की तरफ, इसको सीखना और इजी है। आपने अगर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो फ्रेंड्स को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको अर्ली आपको वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे फ्रेंड्स, ओके। और कोई क्वेरी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं, जो कि मेरा मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है फ्रेंड्स, ठीक है। और आप अभी आराम से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए, हम कमांड स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हमें एग्जांपल लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बॉक्स बना रहा हूँ, बॉक्स मुझे बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पर मुझे 2D से 3D व्यू में आना पड़ेगा ऑफिस फ्रेंड्स। सो मैं फटाफट इसको आइसोमेट्रिक व्यू ले लेता हूँ, इसको इसी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एक बॉक्स ले लेता हूँ। तो मैंने बॉक्स लिया, मुझे इसे डायमेंशन के साथ बनाना है फ्रेंड्स। मैंने लेंथ ली और लेंथ में ले लेता हूँ 10 फीट, विड्थ पूछ रहा है मुझसे, विड्थ में ले लेता हूँ 15 फीट, हाइट पूछ रहा है मुझसे, हाइट में ले लेता हूँ 20 फीट, ओके फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पे इसको कर्सर को मूव करूंगा। सो यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिया था 10 फीट, यहाँ लिया था 15 फीट और ये 20 फीट है, ठीक है। सो ये भी डायमेंशन मैंने बॉक्स बना लिया। अब इस पे कमांड अप्लाई करेंगे टेपर फेस। टेपर फेस क्या करेगा, टेपर बनाएगा, ठीक है। टेपर आप लोग जानते हैं, जिस तरीके से ढलान बनती है उसी तरीके से टेपर को बनाएगा। कमांड ली मैंने फ्रेंड्स, अब बोल रहा सिलेक्ट टू द सिलेक्ट फेस। मुझे क्या करना है टेपर फेस बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे फेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे ऊपर टेपर बनाना था, मैंने फेस को सिलेक्ट करा, देन एंटर करा। आप किसी फेस को ले सकते हैं, एंटर कर दीजिए। इसके बाद बोल रहा बेस पॉइंट, सो मैंने बेस पॉइंट की ले लिया फ्रेंड्स। बेस पॉइंट वो पॉइंट रहेगा जहाँ टॉप एक अल्पाइन पॉइंट, एक टॉप पॉइंट रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ आपका टेपर का लास्ट पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद नीचे सीधी ढलान रहती है, ठीक है। बेस पॉइंट दिया मैंने, इसके बाद बोल रहा है स्पेस का अनदर पॉइंट अलोंग द एक्सिस। अगर मैं दूसरा पॉइंट देना चाहता हूँ, ये जो अनदर बेस पॉइंट तो मैंने दे दिया, एक्सिस के अलोंग दूसरा पॉइंट वो रहेगा जहाँ से आपकी टेपर स्टार्ट होगी, तो पॉइंट मैं यहाँ पे बीच में कहीं पे भी दे सकता हूँ, एंड पे भी दे सकता हूँ और यहाँ पर भी दे सकता हूँ। इस एक्सिस पे जो बेस पॉइंट आपने दिया है, वहां से जो जो एक्सिस निकल रही है फ्रेंड्स, उन्हीं पर आप पॉइंट दे सकते हो, इन दो एक्सिस पे आप पॉइंट नहीं दे सकते फ्रेंड्स। तो जस्ट सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया। इसके बाद एंगल पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो मैंने 30 डिग्री का एंगल दिया और इंटरफेस कर दिया और स्केप कर दिया, कमांड को हटा दिया। इस तरीके से टेपर बन जाएगी फ्रेंड्स, ओके। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है फ्रेंड्स यहाँ पर, कॉपी फेस। कॉपी फेस आपको बहुत काम आएगी फ्रेंड्स, जब भी आप फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे। सो ये वहां पर मदद करेगा आपको दूसरा मटेरियल अप्लाई करने में। आपने देखा होगा बिल्डिंग के एक्सटीरियर में बहुत सारे टाइल मटेरियल, स्टोन मटेरियल यूज होते हैं, तो वहाँ ये चीज काम आएगी फ्रेंड्स। ये क्या करता है, किसी भी फेस को कॉपी करके बाहर निकाल देता है, बट उसका वॉल्यूम कम नहीं करता है फ्रेंड्स। ओके, किस तरीके से होता है यहाँ देखिएगा। मैंने यहाँ पर कॉपी फेस लिया, इस फेस को सिलेक्ट करा, एंटर करा, ओके फ्रेंड्स, वो रहा स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। मैंने बेस पॉइंट लिया और यहाँ मैं इसकी डिस्टेंस दे देता हूँ 3 इंच, ओके 3 लिखा और एंटर करा। जैसे मैंने 3 लिख के एंटर करा है फ्रेंड्स और स्केप करा कमांड को हटा के, तो यहाँ देखिएगा फेस को कॉपी कर दिया। अगर मैं यहाँ कलर देना चाहूँ इसको, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, ये देखिए उसने 3 इंच की डिस्टेंस पे इसको फेस को कॉपी करके बाहर निकाल लिया। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसका वॉल्यूम कम हो गया, उसका वॉल्यूम उतना ही है फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये था कॉपी फेस, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कमांड आ रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कलर फेस। कलर फेस बहुत सिंपल है, आपको नॉर्मली क्या करना है, फेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है, देन एंटर करना है। यहाँ कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा, आपको कलर लेना है, देन ओके कर देना है, ये कलर फेस हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा, किसी बॉक्स पे आप किसी भी तरीके का कलर आप दे सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट कमांड आ गई फ्रेंड्स, फिलेट एजेस, ठीक है। जैसे हमने कैम्फर फिलेट 2D में देखा था, वैसे 3D में फ्रेंड्स, यहाँ मैं फिलेट एज ले रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, फिलेट एज बनाने का तरीका ये है कि एक ही तरीके से बनेगा रेडियस से। आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस देना है, आप जस्ट सपोज मुझे इस एज पे देना है या फिर इस एज पे देना, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। या मुझे सपोज मुझे इस एज पे देना, तो आपको नॉर्मली पता है कि इन दोनों के लेंथ कितना है। ये लेंथ है आपका 10 फिट
और ये आपका 20 फीट, ठीक है। अगर आप इस एच पे बनाएंगे तो ये आपका 20 फीट हाइट और ये आपका 15 फीट है, ठीक है। तो जस्ट सपोज मुझे इस एच पे बनाना है तो ये मेरे पास 10 और ये मेरे पास 20 है, तो मुझे 10 के अंदर अंदर लेना है रेडियस, तो मैंने यहाँ रेडियस फ्रेंड्स ले लिया 5 फीट, ओके, और देन एंटर कर दिया। जैसे मैंने रेडियस दिया, अब मुझे क्या करना है, एच पे क्लिक करना है, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप फिर से एंटर करेंगे तो ऐसे कैसे सेट हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो मैनुअली इस पे आप जैसे आप इसको एरो पे क्लिक करेंगे तो मैनुअली इसको आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे एरो को आप बाहर खींचेंगे कम होगा, अंदर ले जाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कम ज्यादा इसको क्लिक को कर सकते हैं मैनुअली, इसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे वैसे कैसे ये सेट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप फिलेट को यूज कर सकते हैं, जो कि एक ही तरीके से बनता है, जिसका नाम है रेडियस। नेक्स्ट कमांड आती है फ्रेंड्स, कैम्फर एजेस। कैम्फर यहाँ पे भी देखा था हमने, और यहाँ पर भी कैम्फर एजेस है फ्रेंड्स। यहाँ इसने एग्जांपल दे रखा है, हर आइकन पे आप कर्सर को ले जाएंगे तो एग्जांपल आपको शो करेगा, इस तरीके से कैम्फर बनाएगा फ्रेंड्स। अब मैं कैम्फर कमांड लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। कैम्फर एक ही तरीके से बने जिसमें आप डिस्टेंस दे देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर डिस्टेंस दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके। सो यहाँ बोल रहा है स्पेसिफाई द डिस्टेंस, आपको फर्स्ट कैम्फर डिस्टेंस देना पड़ेगा फ्रेंड्स। सपोज मुझे इस एज पे देना है कैम्फर डिस्टेंस, सो यहाँ मेरे पास 15 है और यहाँ पे 20 है, तो फर्स्ट कैम्फर डिस्टेंस मैं दे देता हूँ फ्रेंड्स 15 फीट, और दूसरे की कैम्फर डिस्टेंस जैसे सपोज मुझे यहाँ देना है तो यहाँ मैं दे देता हूँ 10 फीट, ओके। सो यहाँ देखना, फर्स्ट डिस्टेंस आपने दिए 15 फीट, तो फर्स्ट डिस्टेंस को हमेशा वो डाउनवर्ड साइड लेगा, यहाँ 20 तो 15 पे लेगा, और सेकेंड कैम्फर डिस्टेंस हमेशा वो ऊपर की तरफ लेगा हॉरिजॉन्टली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आपके पास 15 फीट डिस्टेंस है, तो यहाँ पे 10 फीट वो कैम्फर ले लेगा फ्रेंड्स। अब यहाँ किस तरीके से होगा, यहाँ पर मैं जैसे एज पे क्लिक करूंगा, सो यहाँ पे इसने 15 ले लिया और यहाँ पे 10 ले लिया, मैं एंटर कर दूंगा, दोनों डिस्टेंस ले लिए। यहाँ पे वही चीज आती है, जैसे आप इस पे एरो पे क्लिक करेंगे आप मैनुअली इसको एडजस्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, या वही रखना है तो आप एंटर प्रेस कर सकते हो, ओके। तो जैसे आप एंटर प्रेस कर दोगे ऐसे ऐसे सेट हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ मैंने कैम्फर और फिलेट आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आ रही है फ्रेंड, जिसका नाम है कॉपी एज। ये केवल एज को कॉपी करेगा, यहाँ पे हमने फेस को कॉपी करा था, यहाँ एज को कॉपी करेगा। सिंपल कमांड है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सीधा किस एज को कॉपी करना है, जैसे उस एज को कॉपी करना, आपने एज को क्लिक कर दिया, ठीक है, एंटर करा। अब इसको कॉपी करके डिस्प्लेसमेंट तो देना पड़ेगा, डिस्टेंस तो देना पड़ेगी, तो आप इस एज पे कहीं भी इसे पकड़ सकते हो। सो मैंने इस कॉर्नर से इसको पकड़ा, और मुझे हाइट देना है, मैं अंदाजे से भी रख सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ दे देता हूँ 5 फीट इसको हाइट देता हूँ, और स्केप कर देता हूँ कमांड से, ठीक है। जैसे मैंने स्केप से कमांड हटा दिया, ये हट चुकी है कमांड, और यहाँ देखिएगा 5 फीट हाइट पे इसने इस एज को ले लिया। अगर मुझे चेक करना है इसकी 5 फीट हाइट है या नहीं इस पॉइंट से, तो यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स इसकी 5 फीट हाइट एग्जैक्ट है, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या हुआ, आपने एज को कॉपी कर लिया फ्रेंड्स। इसके बाद लास्ट कमांड आती है इस पैनल की, इसका नाम है कलर एज। कलर एज में क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कमांड को लिया, जैसे हमने कलर फेस करा था ऐसी कलर एज है, या मैंने एज पे क्लिक करा, जैसे क्लिक करूंगा और एंटर करूंगा कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा, मुझे यहाँ से रेड कलर जैसे ले लिया, और ठीक है थोड़ा रेडी ब्राउन है, और मैंने एक फुल रेड लिया और ओके कर दिया, ठीक है, और कमांड को हटा दिया। अभी आपको रेड कलर नहीं दिख रहा, बट जैसे आप 3D वायर फ्रेम में जाएंगे, यहाँ कलर दिख रहा है, हिडन वायर फ्रेम में जाएंगे तब भी वो दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा और यहाँ नहीं दिखेगा, केवल आपको एक तो 3D वायर फ्रेम में एक हिडन वायर फ्रेम में ये कलर आपको दिखेगा, ठीक है, कलर एज का। इसके नीचे जो फ्रेंड्स कमांड आ रही है वो आपको काम की नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल कमांड इसकी ऑलरेडी अवेलेबल है, सो ये हमारे यूज में नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। सो इन कमांड्स की मदद से हम आराम से 2D और 3D का हम उसको 3D में कन्वर्ट करके उसको और मॉडिफाई और ऑपरेशनली इसको यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज हमने ये पैनल फिनिश कर दिया आपके लोगों के सामने, ठीक है। इन कमांड्स को लेकर अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर लिखना है, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, और मेल भी करना है मुझे, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं मेल भी कर सकता हूँ आपको, ओके, मेल भी जरूर करूंगा, और लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर इस चैनल को कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।